दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ R&D सेक्शन के बारे में। R&D सेक्शन कंपनी में एग्जैक्टली क्या होता है, R&D सेक्शन में काम क्या किया जाता है, यहाँ पे अगर आपको R&D सेक्शन में जॉब करना है तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और इससे बोला जाता है कि R&D में आपके लिए सैलरी भी बहुत ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सैलरी आपकी कितनी रेंज में होगी, इन सब सवालों के बारे में आज मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी में हर एक कंपनी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस यानी मार्केटिंग सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, R&D सेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, और हर एक सेक्शन का अपना अपना काम होता है, एक दूसरे से एक हर एक सेक्शन लिंक होते हैं, लेकिन हर एक का काम बहुत अलग होता है। और अगर बात करूं इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D सेक्शन के बारे में, तो R&D सेक्शन जो होता है वो हर एक कंपनी में प्रेजेंट होता है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक कंपनी की उतनी लायबिलिटी होनी चाहिए, हर एक कंपनी की उतनी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसके बाद ही R&D सेक्शन अपने आप में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कोई लोकल कंपनीज की, तो लोकल कंपनीज में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको R&D सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MNC कंपनी, जैसे MQL, डॉक्टर रेड्डीज, GSK, ये जो कंपनीज है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उन कंपनीज में R&D सेक्शन हमेशा प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उन कंपनीज का टर्नओवर ही इतना बड़ा होता है साल का कि वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं R&D सेक्शन अपने प्लांट में लगाना। R&D सेक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है, R&D सेक्शन का बेसिक काम ये होता है दोस्तों, नई मेडिसिन को ढूंढना, या फिर प्रेजेंट मेडिसिन को मॉडिफाई करना, या फिर कोई इनोवेटिव कुछ चीज ढूंढना, ये तीन काम करते हैं दोस्तों। वो इनोवेशन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या फिर रिसर्च करते हैं। अभी ये तीनों काम कैसे करते हैं, सपोज मान लीजिए आपने आज एक मेडिसिन ली जिसका नाम है पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक आपने आज ली, उसके बाद अगर 2 साल बाद आपने पेनिसिलिन ऐसी ही लगातार ली, मतलब साल में आपने 30-40 बार ली, तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कुछ सालों बाद ऐसे स्टेज आ जाएगी जब वो मेडिसिन लेने के बाद भी, उस मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके बॉडी में उस मेडिसिन का इफेक्ट नहीं दिखेगा। वो सब फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों ड्रग रेजिस्टेंस। ऐसे हर एक इंसान के साथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास यही होता है कि उनके बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होता है। यानी अगर स्पेसिफिक मेडिसिन आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप देते रहेंगे, तो कुछ सालों बाद उस मेडिसिन का उनके बॉडी में कुछ इफेक्ट ही नहीं रहता, और उस वक्त होता ही है कि कुछ नई मेडिसिन, कुछ ऐसे मेडिसिन जो सेम इफेक्ट पैदा करे, उनकी जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे ही काम स्टार्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन का। बहुत सारे लोगों को क्रोनिक थेरेपी होती है। अगर मैं बात करूं क्रोनिक थेरेपी यानी बहुत सालों तक मरते दम तक थेरेपी रहती है, अगर मैं बात करूं स्पेशली ऐसे डिसीजेस की जैसे डायबिटीज, एड्स, टीबी, ये जो डिसीजेस होते हैं, यहाँ पे आपको क्रोनिक थेरेपी देनी पड़ती है। उस वक्त जो मेडिसिन यूज होते हैं दोस्तों, उन मेडिसिन को आपको डॉक्टर्स, जो फिजियोथेरेपिस्ट या जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं यानी डॉक्टर होता है, उसको हर वक्त अपनी मेडिसिन चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर एक मेडिसिन आपको लगातार देते रहेंगे तो उस मेडिसिन का ड्रग रेजिस्टेंस उस इंसान की बॉडी में पैदा हो जाएगा, और मेडिसिन का उस इंसान के बॉडी में कुछ इफेक्ट ही नहीं पैदा होगा। और उस वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग क्या करते हैं, ऐसे मेडिसिन ढूंढने का हर वक्त काम करते हैं जो इनोवेटिव हो, उसका सेम इफेक्ट पैदा हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करे, कुछ भी करे। अगर मैं बात करूं फार्मेसी की, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में आप इतने सारे चेंजेस कर सकते हैं। स्टेरियो केमिस्ट्री का पार्ट होता है, आइसोटोप्स वगैरह, ये सब चीजें आती है केमिस्ट्री में, तो अगर आप ये सब चीजें अप्लाई करेंगे ड्रग प्रोडक्ट पे, तो आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट मिल जाता है जो अपना सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी ना हो, और पुराने मेडिसिन से कुछ डिफर भी हो। तो यहाँ पे R&D सेक्शन बहुत बहुत बड़ा काम करता है। अगर मैं बात करूं R&D सेक्शन की, तो यहाँ पे ये जो लोग काम करते हैं R&D सेक्शन में, वो बहुत होशियार माने जाते हैं, बहुत टैलेंटेड माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिग्री ली और अगर आपको डायरेक्टली R&D में लेगा, तो ऐसा कौन सी भी कंपनी आपको डायरेक्टली R&D में नहीं लेगी। R&D में जो नॉर्मली काम करते हैं वो लोग नॉर्मली MPharmacy कंप्लीट होते हैं, बेसिकली MPharmacy कंप्लीट होते हैं, लेकिन 50% से भी ज्यादा लोग PhD कंप्लीटेड होते हैं। वो जो लोग होते हैं उनका हर वक्त काम यही रहता है, नई मेडिसिन ढूंढना, कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करना, ऐसे कुछ काम करते रहना जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस या नई मेडिसिन हमेशा ढूंढते रहना।
लेकिन सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंस इतना ही काम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रेजेंट एग्जांपल लूँ तो इबोला, इबोला जैसे वायरस जब आया था तो यहाँ पे पूरी दुनिया मतलब बेफिक्र थी, किसी को पता ही नहीं था कि इबोला नाम का भी कोई वायरस है। लेकिन जब वायरस आया था तब तो उसके ऊपर पूरा का पूरा काम होना स्टार्ट हुआ, यानी पूरी सब कुछ उसके ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट हो गए, उसके सब कुछ स्ट्रक्चर कैसा है, वह कैसा है, सब कुछ ढूंढना स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसके ऊपर मेडिसिन आए और उसके बाद इबोला के ऊपर थेरेपी। और वैसे ही बात करूं स्वाइन फ्लू की, इंडिया में कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू ने भी बहुत सारे लोगों की जान ली थी। स्वाइन फ्लू के ऊपर भी ऐसा हुआ था, जब स्वाइन फ्लू आया था तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी स्वाइन फ्लू नाम का कोई मतलब बीमारी है। लेकिन जब आया तो उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट हुआ। वो जब रिसर्च करते हैं, वो जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग उस मेडिसिन को ढूंढती है उस रिसर्च के ऊपर, उन लोगों को बोला जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले लोग। वो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं नॉर्मली कंपनीज की तो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं, मतलब पहले से प्रिपेयर हुए फॉर्मूले, पहले से प्रिपेयर हुए प्रोसीजर, सब कुछ रहता है उसकी, सब सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मार्केटिंग करके बेचना, ये बहुत ही सिंपल काम होता है। लेकिन कोई इजी मेडिसिन, मतलब कोई नई मेडिसिन ढूंढना, उसको फिर से अपना सब कुछ उसके ऊपर लगाना, सबकी इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद उसको प्रोडक्ट करना, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करना, उसके सब कुछ अप्रूवल्स लेना FDA से, बहुत बड़ा काम होता है। और यही वजह होती है दोस्तों कि कुछ मेडिसिन आपको 100 रुपए में एक टैबलेट मिलती है और कुछ मेडिसिन आपको 10 रुपए में आपको 10 टैबलेट मिलती है। यानी आपने बहुत बार नोटिस क्या होगा, कुछ मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा होती है और कुछ मेडिसिन की प्राइस बहुत कम होती है। यही रीजन होता है कि जिस मेडिसिन की प्राइस ज्यादा होती है वो जो मेडिसिन होता है वो ब्रांडेड माना जाता है, यानी उस कंपनी में उस मेडिसिन को ढूंढा हुआ होता है, खुद के दम पे उसने इन्वेस्टमेंट करके उस मेडिसिन को ढूंढा हुआ रहता है। उस मेडिसिन का उसके पास पेटेंट रहता है 20 साल के लिए, यानी जब ढूंढता है तब उसके बाद 20 साल तक उसको कोई नहीं बेचता। और यही टाइम होता है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट निकालने का, जब जितना उसने उसके ऊपर मेहनत लगाई, जितने लोगों को उसने काम दिया है, जितने लोगों को उसने सैलरी दी है, सब कुछ मार्केटिंग अप्रूवल्स, इसमें बहुत करोड़ रुपए लगते हैं, तो वो सब अपना खर्चा निकालने के लिए उन मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जब 20 साल खत्म होते हैं तो वो मेडिसिन पब्लिक डोमेन में आ जाती है, यानी कोई भी उस मेडिसिन को बना सकता है, तो उस वक्त उस मेडिसिन की प्राइस कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उस सेम मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने में स्टार्ट करते थे। तो यही रीजन होता है दोस्तों R&D सेक्शन जो कंपनी को लिए होता है, हालांकि R&D सेक्शन के लिए अगर जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी तो बहुत ज्यादा रहेगी, सैलरी बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा रहेगी कि आपको महीने के 60-70-80,000 भी मिल जाते हैं, क्योंकि अगर R&D में अगर काम कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप कंपनी के लिए बेनिफिट दे रहे होते हैं। लेकिन बात करूं R&D में स्कोप की तो R&D में बहुत ज्यादा स्कोप है, R&D में स्कोप नहीं है ऐसा हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त फार्मेसी ऐसी ही फील्ड है कि यहाँ पे आप हर वक्त आपको इनोवेशन, हर वक्त आपको मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता रहता है। अगर आप ऐसे रहेंगे कि अब मेडिसिन तैयार हो गया बस शांत रहना है तो आप बिल्कुल फार्मेसी में नहीं सर्वाइव कर सकते, फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे फार्मेसी फील्ड ही टोटल इनोवेशन के ऊपर डिपेंड होती है। अगर इनोवेशन फार्मेसी फील्ड से जाए तो फार्मेसी फील्ड मर जाएगी टोटली। तो यहाँ पे R&D सेक्शन होता है फार्मेसी फील्ड के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मुझे एक्चुअली इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि R&D के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा वीडियो बनाने से पहले आपको बहुत सारी चीजों की पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे सब कुछ बातें मैंने शायद आपको बताई है R&D के सेक्शन के बारे में, तो होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। दोस्तों वीडियो एंड होने से पहले आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और मैं कामना करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स अपने पास आने वाली है, बहुत सारे प्लान्स मेरे पास है जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करने वाला हूँ। तो जल्द से 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन जल्दी कंप्लीट करके हमारी एक नई जर्नी के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।